जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो F-8 इंटरचेंज के बारे में है। 9th एवेन्यू और जिना एवेन्यू जहाँ पे आपस में मिलती हैं F-8 के मकाम पे, ये ऐसा एक चौक है जो कि F-8, F-9, G-8 और G-9 के बीच में होता है, जो कि G-8 और G-9 के साथ सर्विस रोड गुजर रही है। वो नॉर्थ सर्विस रोड है, इसको अबू असफानी रोड भी कहते हैं। इसी तरीके से F-8 के साथ जो साउथ की तरफ सर्विस रोड है उसको नाजिमुद्दीन रोड कहा जाता है। ये सर्विस रोड की ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तमाम ट्रैफिक और जिना एवेन्यू की ट्रैफिक, जब ये F-8 चौक या इसको PTCL एक्सचेंज भी बोलते हैं, यहाँ पे जब ये आपस में कनेक्ट करती हैं, और ये जो कनेक्ट करती हैं तो यहाँ पे सिग्नल है, और इस सिग्नल की वजह से एक अबू उस्फानी रोड पे भी सिग्नल है। 9th एवेन्यू में अगर आप IJP रोड से आते हैं तो पहले अबू उस्फानी रोड के ऊपर आपको एक जी सेक्टर के ऊपर जो नॉर्थ की रोड है उस पर एक आपको सिग्नल मिलता है, इसके बाद एक और सिग्नल मिलता है जहाँ पर आपको G9 9th एवेन्यू और जिना एवेन्यू आपस में मिलती है। ये वाइड सिग्नल है, अगर आप 9th एवेन्यू और जिना एवेन्यू का ओरिजिन पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट को तक देखें तो कोई सिग्नल नहीं आता, और वाइड ये सिग्नल है जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती है। और यहीं से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ट्रैफिक 9th एवेन्यू में, काफ़ी ज़्यादा तालीमी अदारे हैं जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट के ज़्यादातर, जो आपको पता है GF सेक्टर है और ई सेक्टर भी हैं, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं तालीमी इदारों में जाते हैं कि जो H-8 सेक्टर में वाक़ हैं। तो इसलिए जब ये पीक आवर्स होते हैं, ख़ासकर जब ये स्कूल टाइमिंग्स होते हैं या ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर आके काफ़ी ट्रैफिक जो है उसका कंजेशन होता है, काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। अब अगर देखा जाए तो इस मसले को हल करने के लिए, इस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए ये इंटरचेंज बन रही है, जो 9th एवेन्यू होगी वो फ्लाईओवर के ज़रिए ट्रैफिक मूव करेगी, और जो जिना एवेन्यू की ट्रैफिक है वो नीचे से ही इस 9th एवेन्यू के नीचे से गुजरेगी। और ये जो इसके अलावा जितनी ट्रैफिक होगी अबू असफानी रोड की या नाजिमुद्दीन रोड की या सर्विस रोड की ट्रैफिक, जो इसकी जितना भी एंट्री और एग्जिट होगा वो थ्रू इन इंटरचेंज के जो है वो रैंप लूप्स बनेंगे, उनके ज़रिए होगा, कोई सिग्नल नहीं होगा। और इस इंटरचेंज के बनने के बाद इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो जो जिस पे प्रॉब्लम का शिकार है ट्रैफिक कंजेशन का इस चौक पे, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 4.1 बिलियन की लागत से मैक्सिम कंपनी को मिला हुआ है, और इसका टारगेट जो है वो 90 डेज रखा हुआ है, देखते हैं कि 90 डेज में ये कंप्लीट होता है कि नहीं। लेकिन चलो, टारगेट इसलिए रखा जाता है कि ताकि प्रोजेक्ट जल्दी उसको कम्प्लीट किया जाए, अगर 3 महीने में नहीं भी हो जाएगा तो 4-5-6 महीने के अंदर अंदर तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बनने की वजह से काफ़ी लोगों को सहूलियात भी होंगी, और इस्लामाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। तो दोस्तों, ये आज की इस छोटी सी अपडेट के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।